नमस्ते, अ'ऊं प्रज्ञा सल्होत्रा सिद्धली की च तुसें सारे लोकें दा मता मता मलार करनी आं। अज्ज में आई नहीं आं, साढ़े जेह्ड़े हिंदुएं दा बड़ा मानने आह्ला एह् मंदर ऐ, आई नहीं मैं सुद्धमहादेव। ते मैं चाह्नी कि तुसें इत्थें दा नज़ारा दिक्खो। पैह्लें इत्थें एह् तुसें मेरा कैमरामैन दस्सी सकदे कि एह् उ'ऐ त्रिशूल ऐ जिह्दी क्हानी मैं तुसें आपें पंडित जी दी जबानी तुसें सुनने इत्थें होगी। ते पिच्छे कि तुसें दिक्खी सकदे हो कि कन्नै गै इत्थें बाबा भैरव नाथ जी दा बी है मंदर। ते मेरे खब्बे पासे तुस दिक्खी सकदे हो कि इत्थें गणेश जी का भी मंदिर है। और इत्थे बथेरे लोग दूरों दूरों आते हैं इत्थे मत्था टेकन ताई, और उनका मानना है कि इत्थे आगे और उनकी जड़ी दुआ जड़ी है वो मंगते हैं शिवजी को, वो पूरी हो जाती है। बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, तो नौजवान भी आते हैं, सारे के आते हैं। इत्थे लंगर भी लगता है, इत्थे बड़े ढोल नगाड़ियां कन्ने बड़ी बड़ी शैल रौनक लगी रही होंगी। और मंदिर जिथे है वह जगह तुम दिखगे तो तुम्हारा रूह जड़ा वो खुश हो जाग। बस रस्ता जड़ा है वो बहुत ही खराब है, सिंगल रोड है। सरकार की बहुत जरूरत है और पर काम करने दी, पर इत्थे आइए जड़ी तुंदी इन्नी घंटे की जड़ी थकावट होंगी ना वो सारी दूर हो जाती है। क्योंकि इत्थे जल्द तुम दर्शन करने होंगे शिवजी के माता पार्वती के, तो तुम्हें बड़ा ही आनंद लगता है। पंडित जी, तुस मिगी एह् दस्सो कि एह् त्रिशूल में दिक्खा नहीं है कि पिछे एह् काफ़ी पुराना लग्गा दा है, तो तुस मिगी दसदे कि इस मंदिर की केह् कहानी है, पिछे इस त्रिशूल की केह् कहानी है, ताकि साढ़े जेहड़े सानू इन्नी दूरों दूरों बैठिए लोग दिखा रहे उन्हें पता चले कि सुद्धमहादेव अगर है तो इसके पिछे कहानी केह् है। तुस मिगी दसो। ये मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग ने, सब तो पहले आखते हैं कि वह शिवलिंग इतने आया है। अच्छा, इतने जंगल था, उस जंगल शिवलिंग थे, इन्हों की पूजा पहले कोई ऋषि मुनि वगैरह करते हैं। उनके बाद एक शुद्धांत राक्षस होया जो भगवान शिवजी को बर लेने इतने इनकी पूजा करता है। उसलै के मान तलाई माता पार्वती का जो जन्म होया, स्नान करने गौरी कुंड जाती है, गौरी कुंड आई है उसे शिवलिंग की पूजा करनी है भगवान शिवजी बर पाने। जल्द पार्वती जी पूजा करने इतने आई है, उसलै जो शुद्धांत राक्षस था वो अपनी भगती बैठा है, उन्हें देखा कि कोई देव कन्या इसने बर पा लेना, मैं बर नहीं मिलना। वो अपना व्यंक रूप धारण करिए पार्वती जी के सामने खड़ा हुई है कि डर दे मारे इतों चली जाग, मैं बर मिली जाना। जल्द पार्वती जी ने वह व्यंक रूप देखा, उन्होंने भगवान शिव जी याद किया, देखो महाराज मैं पूजा करनी है, लेकिन इस राक्षस की वजह कन्नै पूजा नहीं कर सकती। उसलै भगवान शिव जी ने उसी यही त्रिशूल मारा था। जल्द त्रिशूल मारा उसने भी अपनी जान बचाने के लिए तीन टुकड़े किए कि साइड चली जाग मेरी जान बची जाग, लेकिन जल्द तीन के तीन टुकड़े वो पर आइए वो मुँह च निकले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उसलै भगवान शिव जी ने आख्या कोई मेरा भगत है जो मेरा तू मारा गया। उन्हें प्रगट होइए दर्शन दिए कि तू जीवित रहना चाहना या किसी किस्म की तेरी अभिलाषा दस। और आखिर नहीं प्रभु मैं इयो चाहता हाँ कि थोड़ा इतों मेरी मुक्ति हो। उसलै भगवान शिव जी ने आख्या जो बर चाहना तू क्यों बर मिल सकता। उन्हें आख्या बर देना प्रभु ऐसा वर दियो कि इस जगह ना जो थोड़े कन्नै मेरा भी होना चाहिए, और जिस तरीके कन्नै थोड़े दर्शन करिए इतने मेरी आत्मा शुद्ध हुई, इस तरीके कन्नै सब की आत्मा शुद्ध हो। उस दिन दस जगह ना शुद्ध महादेव है, शुद्ध और राक्षस था महादेव भगवान शिव जी महाराज। उसके बाद जी मूर्ति अंदर प्राचीन मूर्ति है भगवान शिव जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती जी गणेश जी एक मूर्ति जी ने। यह मूर्ति आखते हैं कि उसने एक राजे लभी ही, मतलब जिमीदार की लभी, उसने उसने कोई राजे दसने की कोशिश की थी। उसने इतों राज जो है चनैनी का राज था, यह मूर्ति राजे चनैनी दसना चाहता, लेकिन रात होने वजह कहने उसने मूर्ति इतने रखी क्योंकि इतने शिवलिंग से त्रिशूल पहले थे। बाद चुकने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति चुकोई नहीं। फिर आखिर राजा ने भी कोशिश की, लेकिन जिसने मूर्ति नहीं चुकोई वो बाद जो इस मंदिर बने 3000 साल को इस मंदिर की बने। और एक ये मूर्ति है जी भगवान शिव जी जो राज रूप इतने मूर्ति है, ये नहीं मूर्ति कुछ लगनी नहीं लगती है। और ये मेला जो सुद्धमहादेव का मेला आता 3 दिन का मेला होता, ये मेला भी उस राक्षस जात मनाया जाता। 3 दिन का मेला इतने देवका मेला जून की जो पूर्णमाशी जेठ की पूर्णमाशी आती है, कहते अर्च भी आता, लेकिन जेठ की पूर्णमाशी ये मेला उत्थे होता है। हाँ जी, तो इतने देवका नदी है, वो स्नान करते हैं लोग, बाद भगवान शिव जी के दर्शन करते, अपनी मनोकामना जो पूरी करते लोग, और जो गंगा स्नान करते हैं देवका नदी का जो स्नान है। इसलिए मंदिर जो ट्रस्ट में उस मनते हैं, पहले उन्हें मनते नहीं इतने समाधियां बनी दी, हूँ इसलिए धर्मस्थ ट्रस्ट को मंदिर इतने वगैरह मेले वगैरह च लंगर लगे होंगे, बाकी रौने व्यवस्था जी इतने भगवान शिव जी पूरी की जाती है।
कहानी तुसें सुन ली पंडित जी की जबानी कि उन्हें दस्या कि इस मूर्ति की चुकने की बथेरे लोगों कोशिश की पर कोई चुकी नहीं पाया, एंड च इत्थे के आइए मंदिर बनाना पिया। और मैं तो चाहनी हूँ कि मेरा कैमरामैन ये मूर्तियाँ दसे तुसें साक्षात शिवजी के दर्शन करी सको। जेड़े मते दूर रोंदे ने उन्हें अहें दर्शन कराओ, तो जेड़े कोल रोंदे इन्नी दूर नहीं है, कदे आओ इत्थे एकड़े पासे आओ और शिवजी के दर्शन करो। पहले ये दसो कि ये थाल च मैं दिखा नहीं कि निकी जी मणि है एक उपर साढ़े उत्ते नाग देवता भी है ना, तो तुम मैं दस गए कि एरा के मनना है या ये के चीज़ है, सारे साढ़े व्यूअर्स की चीज़ दसो। आखिर कि शिव मणि है, शिव मणि शिव रुद्र भी आखते हैं, ये जो इतने चनैनी के राजे हुए ना ये पहले उन्होंने को जिसल उन्होंने को पूजा नहीं हो सकी तो उन्हें इतने मंदिर चढ़ाए थे। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮਤਲਬ ਚਲੀਏ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰੀ ਕਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਜੋਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਜੋਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੋਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ।